तो 10th क्लास में हम एक्सरसाइज 6.2 कर रहे थे और 6.2 के तीन क्वेश्चन हमारे हो गए थे। 6.2 के तीन क्वेश्चन होने के बाद अब हमारा अगला चौथा क्वेश्चन आ जाता है और चौथा क्वेश्चन है आकृति 6.19 में डी ई समानांतर ए सी डी एफ समानांतर ए ई है, सिद्ध कीजिए बी एफ बटा एफ ई इक्वल टू बी ई बटा ई सी है और आकृति हमें 6.19 में दी गई है। तो ये आकृति हमें दी गई है त्रिभुज ए बी सी, इसमें एक तो डी ई समानांतर ए सी है तो डी ई देखो ये वाली लाइन है और ए सी ये लाइन है, ये दोनों समानांतर हैं। साथ में डी एफ समानांतर ए ई है, डी एफ ये है और ए ई ये है, ये दोनों समानांतर हैं और ये दोनों समानांतर हैं। सिद्ध करना है बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई इक्वल टू बी ई बटे ई सी, बी ई बटे ई सी हमें ये सिद्ध करना है। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ये दे रखा है हमें ये किस त्रिभुज के अंदर आता है, डी ई समानांतर ए सी, देखो डी ई और ए सी दोनों लाइन कौन से त्रिभुज में आती हैं, ए बी सी में आती है, तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में हमारा डी ई समानांतर ए सी है, ये हमें स्टेटमेंट में दिया गया। अब यदि किसी त्रिभुज में ऐसे रेखाएं समानांतर होते हैं तो इनसे बनने वाले अनुपात कैसे होते हैं, इक्वल। अब हम देखते हैं कि जो ये डी ई लाइन है ये कौन सा अनुपात बनाती है, ये डी ई इस ए बी को डी पर काट रही है और इस बी सी को बिंदु ई पर काटती है, तो हम इसका अनुपात बी डी बटे डी ए या फिर ए डी बटे डी बी ऐसे लिख सकते हैं। तो हम नीचे से लिख लेते हैं बी डी बटे डी ए और यहाँ ये काटती है बिंदु ई पे तो इसको छोड़ देंगे हम बी ई बटे ई सी, इक्वेशन एक। और ये कौन सी पद में है, आधारभूत समानुपातिक पद में द्वारा, समझ में आया है ये। इसके बाद आगे हमें दिया गया है डी एफ समानांतर ए ई, ये डी एफ और ये ए ई, इस ये दोनों रेखाएं कौन से वाले त्रिभुज में आती हैं, ये और ये ए बी ई, इसके जो आगे का है वो तो इन दोनों लाइन से बाहर हो गया तो ये त्रिभुज हो गया ए बी ई में आता है, तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में डी एफ समानांतर ए ई, ये हम हमें स्टेटमेंट में दिया गया है। तो अब ये देखते हैं कि जो ये डी एफ लाइन है ये कहाँ कहाँ से अनुपात बनाती है, डी एफ लाइन इस त्रिभुज की जब ए बी को काटती है तो डी पर काटेगी, अनुपात बनेगा बी डी बटे डी ए। और यही लाइन यहाँ नीचे इस त्रिभुज की भुजा बी ई को, आगे तो लेंगे नहीं, बी ई को कहाँ काट रही है ये एफ पे, तो अनुपात क्या बनना चाहिए बी एफ बटे एफ ई, इक्वेशन दो। और ब्रैकेट में हम लिखेंगे आधारभूत समानुपातिक पदमे द्वारा। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस का प्रयोग करेंगे, समीकरण एक तथा दो से इन दोनों इक्वेशंस में देखो बी डी बटे डी ए बी डी बटे डी ए दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, बी ई बटे ई सी इक्वल टू बी एफ बटे एफ ई। देखो क्या हमें यही सिद्ध करना है, बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई, बी ई बटे ई सी, बी ई बटे ई सी, वहाँ ऐसे लिखा हुआ है हमारा ये ऐसे निकल गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम। क्वेश्चन आया समझ में, तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, आकृति 6.20 में डी ई समानांतर ओ क्यू डी एफ समानांतर ओ आर है, दर्शाइए ई एफ समानांतर क्यू आर। आकृति 6.20 हमें दी गई है
पी क्यू आर। ई एफ ये बिंदु डी और ये बिंदु ओ। दिया है डी ई समानांतर ओ क्यू तथा डी एफ समानांतर ओ आर। सिद्ध करना ई एफ समानांतर क्यू आर। इस बार हमें ये अनुपात समान सिद्ध नहीं करना बल्कि एक अन्य रेखाएं को हमें समानांतर सिद्ध करना है। सबसे पहले देखो आकृति में जो दिया गया है डी ई समानांतर ओ क्यू ये कौन सा है, ये डी ई है और ये ओ क्यू है। तो हम ये देखेंगे कि ये दोनों लाइंस किस त्रिभुज में आती हैं, बताओ किस में आती हैं, ये लाइन और ये लाइन पी ओ क्यू इस त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर ही आ रही है दोनों लाइन। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में हमें दिया गया है डी ई समानांतर ओ क्यू। जब ये रेखाएं समानांतर हैं तो इनसे अनुपात इक्वल होगा, हम उसकी पहचान करेंगे वो अनुपात कौन सा है। अब इस त्रिभुज की भुजा पी क्यू को ये जो डी ई है ये यहाँ ई पर काटता है तो अनुपात बनेगा पी ई बटे ई क्यू। और इसी त्रिभुज की दूसरी भुजा पी ओ को ये लाइन डी पे काटती है तो अनुपात बनेगा पी डी बटे डी ओ। इक्वेशन फर्स्ट और ब्रैकेट में लिखेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय द्वारा। इसके आगे अब हम देखते हैं डी एफ समानांतर ओ आर हमें दिया हुआ है, ये डी एफ है ये ओ आर है, तो देखो इन दोनों को कि ये कौन से त्रिभुज के अंदर आएंगी, पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में डी एफ समानांतर ओ आर ये हमें दिया गया है। ठीक है, जब ये लाइन इसके समानांतर है तो अनुपात कौन से बनेंगे, इस त्रिभुज की भुजा पी एफ को ये डी एफ एफ बिंदु पर काटती है तो अनुपात बनेगा पी एफ बटे एफ आर। और यहाँ ये काटता है डी पे तो इस ये भी इस त्रिभुज की एक भुजा है पी डी बटे डी ओ अनुपात बन जाएगा। इक्वेशन नंबर दो आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय द्वारा। समीकरण एक तथा दो का प्रयोग करेंगे, एक तथा दो से दोनों इक्वेशंस में देखो पी डी बटे डी ओ हमें इक्वल हो गया। ये जब ये दोनों एक जैसे हैं तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, ये मान इस मान के इक्वल आ जाएगा पी ई बटे ई क्यू इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर ये आ जाता है। अब देखिए हमें क्या यही सिद्ध करना है, हमें तो ई एफ समानांतर क्यू आर सिद्ध करना है, ये सिद्ध नहीं करना है। अब ये आकृति में देखते हैं कहाँ आता है, पी ई बटे ई क्यू, पी ई बटे ई क्यू इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर अनुपात इक्वल हो गया। ये त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर त्रिभुज में एक ये रेखा ई एफ है यहाँ ई पर काटते पी ई बटे ई क्यू, यहाँ एफ पर काटते पी एफ बटे एफ आर, ये निकल गया हमारा। जब ये अनुपात इक्वल है तो इन अनुपातों के बीच में यहाँ ई है और यहाँ एफ है, मिलाने वाली रेखा ई एफ, जब ये अनुपात इक्वल है तो ये ई एफ रेखा इस क्यू आर के क्या हो जाएगी, समानांतर, ई एफ समानांतर क्यू आर। और कौन सी प्रमेय के द्वारा लिखेंगे हम इसको, आधारभूत
समानुपातिक प्रमेय के विलोम द्वारा। अब ये विलोम लगा है यहाँ पर, जब रेखाएं समानांतर होती हैं तो अनुपात इक्वल होता है, वो आधारभूत प्रमेय है। जब अनुपात इक्वल हो तो इसके द्वारा रेखाएं समानांतर होती हैं, ये इसका विलोम होता है, बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में, वो लग गया यहाँ पर। तो ये थ्योरम हमारी सिद्ध हो जाती है, इति सिद्धम। क्वेश्चन 5 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 6 है, आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ तथा OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार हैं कि AB समानांतर PQ, AC समानांतर PR है, दर्शाइए BC समानांतर QR है। आकृति 6.21 है, क्वेश्चन नंबर 6, तो आकृति 6.21 हम बना देते हैं PQR। दिया है AB समानांतर PQ तथा AC समानांतर PR है। सिद्ध करना है BC समानांतर QR। तो देखो सबसे पहले AB समानांतर PQ किस त्रिभुज में आता है, AB ये O बिंदु है, AB समानांतर PQ ये है, ये दोनों लाइंस किस त्रिभुज में आएंगी, इसमें इसका नाम क्या होगा, POQ, त्रिभुज POQ में हमें दिया गया है AB समानांतर PQ दिया। जब ये रेखाएं समानांतर हैं तो इससे बनने वाले अनुपात एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों रेखाएं समानांतर है। इस त्रिभुज में AB इस OP को काटती है A पर, A पे काटती है तो अनुपात क्या बनेगा, OA बटे AP या फिर PA बटे AO, हम कैसे भी लिख सकते हैं, तो हम OA बटे AP भी लिख सकते हैं, OA बटे AP, और यही लाइन यहाँ पे आकर काट दी बी पे तो अनुपात बनेगा OB बटे BQ। इसको डाल देंगे हम इक्वेशन 1, ब्रैकेट में आ जाएगा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय द्वारा, ठीक है। इसके बाद आगे है एसी समानांतर पीआर। अब ये एसी और ये पीआर, ये दो लाइनें कौन से त्रिभुज में आती हैं, पी ओ आर में। इसमें एसी समानांतर PR है, ये हमें स्टेटमेंट में दिया गया है, ठीक है। अब ये ये रेखाएं समानांतर हैं तो इनसे बनने वाले अनुपात इक्वल होंगे, देखो AC जो लाइन है ये इस POR की भुजा OP को बिंदु A पर काटती है तो अनुपात बनेगा OA बटे AP, और यही लाइन यहां आकर के C पर काटती है तो अनुपात बनेगा OC बटे CR। इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय द्वारा। समीकरण 1 तथा 2 से दोनों में देखो क्या इक्वल है, OA बटे AP, OA बटे AP दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे इक्वल, OB बटे BQ इक्वल टू OC बटे CR हो जाएगा।
लेकिन हमें ये सिद्ध नहीं करना, हमें सिद्ध करना है BC समानांतर QR, हमें ये निकालना है। अब ये BC समानांतर QR देखो कौन सा है, ये BC और ये QR, हमें इन दोनों को समानांतर सिद्ध करना है। हम देखते हैं हमारे पास अनुपात कौन सा आया है, अनुपात आया हमारे पास OB बटे BQ, आकृति में देखो कौन सा, ये OB बटे BQ, OC बटे CR, OC बटे CR। तो इस QOR में ये दोनों अनुपात इक्वल हैं, तो इस OB बटे BQ और OC बटे CR के बीच में बिंदु आ गया B और C, इनको मिलाने वाली लाइन जो है वो BC हो गई, तो BC इस लाइन के क्या हो जाएगी, समानांतर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, BC समानांतर QR, और कौन सी पद में लगेगी, समानुपातिक पद में के विलोम द्वारा इति सिद्धम, समझ आया है। तो ये विलोम लगा है यहाँ पे, अब पहचान हो रही है कि विलोम कहाँ लगेगा और आधारभूत पद में कहाँ लगेगी। क्वेश्चन 6 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन 7 पे आ जाते हैं। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। 9th क्लास में हमने ये पढ़ा था। इसमें हमें फिगर नहीं दी गई है, आकृति हम खुद बनाएंगे, स्टेटमेंट को पढ़ते जाएंगे, आकृति बनाते जाएंगे। एक त्रिभुज बना दो, नाम कुछ भी दे सकते हैं, ABC। एक भुजा के मध्य बिंदु से, अब ये AB इसका एक मध्य बिंदु, हम ले लेते हैं D, ऐसे बोला ना, एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो हम एक भुजा का मध्य बिंदु ले लेते हैं। दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा इस बिंदु से, अब समानांतर रेखा खींचनी है दूसरी भुजा के, ये पहली भुजा, ये दूसरी, ये तीसरी, तो इस बिंदु से हम इसके समानांतर एक रेखा खींचते हैं, ये आ जाती है यहाँ पे ई पर। तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर रही है, देखो पहली भुजा का मध्य बिंदु से रेखा खींची, दूसरी भुजा के समानांतर खींची, तो तीसरी भुजा कौन सी बच गई, AC। इसको ये समद्विभाजित कर रही है, कौन सी लाइन, ये जो रेखा हमने खींची है ये वाली, इसका मतलब इसको DE समद्विभाजित कर रही है, ये हमें सिद्ध करना है। अब DE AC को समद्विभाजित करने का मतलब है कि AC AE और EC दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल, हमें ये सिद्ध करना है। और EAC का मध्य बिंदु है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमें इस पार्ट को इस पार्ट के इक्वल इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दिया है त्रिभुज ABC में D भुजा AB का मध्य बिंदु है तथा DE समानांतर BC है, ये समानांतर रेखाएं हमें दी गई है। सिद्ध करना है EAC का मध्य बिंदु है ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि DEAC को समद्विभाजित करता है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं AE इक्वल टू EC, किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। सबसे पहले त्रिभुज ABC में D भुजा AB का मध्य बिंदु है, ये हमें स्टेटमेंट में दिया गया है। जब D मध्य बिंदु है तो ये DAB को दो समान भागों में बांटेगा, मध्य बिंदु किसी भी भुजा को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है, तो इसके AB के दो पार्ट बन गए, एक AD और एक BB, दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे के इक्वल। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम इसे लिख सकते हैं AD इक्वल टू BB, ठीक है। हम इन दोनों का अनुपात निकालते हैं,
ए डी बटे डी बी, अनुपात को बटे के रूप में लिख सकते हैं, कितना आएगा ये ए डी बटे डी बी हमने लिख दिया है। अब ए डी किसके इक्वल है, डी बी के, और डी बी किसके इक्वल है, ए डी के। तो हम या तो ए डी को हटा करके डी बी लगा सकते हैं या डी बी को हटा करके ए डी लगा सकते हैं। तो हम डी बी को हटा कर ए डी लगा देते हैं, कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये ए डी एकम ए डी एक आ जाएगा। तो ये अनुपात क्या निकलेगा इसका, एक, वो ऐसे निकलता है, समझ आ गया। अब हमें आगे दिया गया है डी ई समानांतर बी सी, इस त्रिभुज में डी ई समानांतर बी सी ये हमें दे रखा है। जब त्रिभुज में ऐसे रेखाएं दो समानांतर होती हैं तो इनसे बनने वाले अनुपात एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यहाँ डी पर काटिए अनुपात बनेगा ए डी बटे डी बी, और यहाँ ई पर काटिए तो ए ई बटे ई सी, ए डी बटे डी बी इक्वल टू ए ई बटे ई सी। इसे हम इक्वेशन एक डाल सकते हैं, आधारभूत समानुपातिक परमेय द्वारा, या फिर अगर हम इक्वेशन ना डालें तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब ए डी बटे डी बी का मान कितना था, एक था, तो हम इस ए डी बटे डी बी की जगह इसका ये मान रख सकते हैं, तो इसका मान है एक इक्वल टू ए ई बटे ई सी। या तो ऐसे लिख सकते हैं, ये कहाँ से लाए हम, समीकरण एक से, ऐसे लिख देंगे इसको, ये एक कहाँ से आया है, समीकरण एक से लिखा है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए ई को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ई, और ई सी को एक से करेंगे तो ई सी। जब ये ए ई ई सी के इक्वल है, इसका मतलब ई क्या है, ए सी का मध्य बिंदु, ई ए सी का मध्य बिंदु है, इति सिद्धम, समझ में आया है, ठीक है। तो ये हमारा सातवां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आठवां क्वेश्चन है, परमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो इसे भी हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसमें भी जैसे जैसे हमें आकृति बोला गया है वैसे हम आकृति बनाएंगे। एक त्रिभुज हमने बना दिया ए बी सी, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, अब एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, इसके मध्य बिंदु हमने, इसका मध्य बिंदु डी ले लिया, इसका मध्य बिंदु हमने ई ले लिया, दोनों को मिला दिया। अब ये मिलाने वाली रेखा कौन सी हो गई, डी ई, ये इसके समानांतर होती है, हमें ये सिद्ध करना है इसमें, ठीक है, दिया है। त्रिभुज ए बी सी में डी तथा ई क्रमशः भुजाओं ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं, ये हमें दे रखा है इसमें कि दो भुजाओं के ये दो मध्य बिंदु हैं, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, इनको मिलाने वाली ये रेखा इसके समानांतर होती है तीसरी भुजा के, तो डी ई समानांतर बी सी। तो ये जो हमने अभी अभी सातवां क्वेश्चन किया था उसका विलोम है, उस क्वेश्चन में ये दिया गया था हमें, और ये हमें ए सी का मध्य बिंदु निकालना था, इसमें अब ये दोनों मध्य बिंदु दिए गए हैं और ये रेखाएं समानांतर हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। परिमाण, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में ये तो इसका मध्य बिंदु है और ये इसका मध्य बिंदु है, डी तथा ई क्रमशः ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं, ये हमें स्टेटमेंट में दिया गया है। देखो जब डी मध्य बिंदु होगा तो ए बी के दो भाग बन गए, एक ए डी और एक
डी बी दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे या नहीं होंगे, समझ आया है। इनका अनुपात यदि हम निकालें ए डी बटे डी बी तो वो कितना आना चाहिए, एक आएगा। इसको डाल देते हैं इक्वेशन ए। अब इसी तरह से जब ये ई इसका मध्य बिंदु हमें दिया गया था तो इस एसी के दो भाग बन गए, एक एई और एक ईसी, ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के इक्वल। और यदि हम इनका अनुपात निकालें तो एई बटे ईसी ये कितना आना चाहिए, एक। इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर दो। अब समीकरण एक तथा दो से दोनों में क्या वैल्यू है, एक एक, दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल ए डी बटे डी बी और ये है ए बटे ई सी। लेकिन हमें ये तो नहीं निकालना, हमें निकालना है डी ई समानांतर बी सी। तो इसको हम आकृति में देखते हैं ये कौन से मान है, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी इक्वल टू ए बटे ई सी, हमारे अनुपात समान निकल गए। जब ये अनुपात समान है, इस अनुपात के इन दोनों के बीच में डी बिंदु और इन दोनों के बीच में ई, तो इन अनुपातों को बनाने वाली रेखा कौन सी है, डी ई। ये डी ई इस तीसरी भुजा के क्या हो जाएगी, समानांतर। तो हम यहाँ लिख देंगे इसमें डी ई समानांतर बी सी, और यहाँ पर क्या लगेगा, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम द्वारा इति सिद्धम। तो ये हमारा आठवां क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो जाता है।